वेलकम टू स्टार एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं गिरधारी आप सभी के लिए रेलवे का क्रैश कोर्स की बात करेंगे। दोस्तों आज हम रेलवे का जो क्रैश कोर्स लेकर आए जिसके अंदर जनवरी से लेकर सितंबर 2020 तक करंट अफेयर्स का ये हमारा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो रेलवे ग्रुप डी और NTPC वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। पहला क्वेश्चन और दोस्तों इसकी PDF फाइल के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों IAS नीतीश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस है वो 7 सितंबर को मनाया गया है। शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराव खाटीवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया? तो ये भारत के किसके जो 4 नंबर प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है ये आपको ध्यान में रखना है, नेपाल के। कहाँ के? नेपाल के। तो कहाँ है? नेपाल आपका राइट आंसर है। ब्रिक्स खेल 2020 ब्रिक्स सेल 2020 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो इसका जो 5वां प्रश्न है भारत को, किसको? भारत को सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य की पूरी तरह डिजिटल व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है? अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया हुआ है विरुधुनगर। क्या है? विरुधुनगर है। जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियाज ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो आपको ध्यान रखना है आयुष खान खुराना। क्या है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना आपका राइट आंसर है। हाल ही में तुर्की के पूर्व भू मध्य सागर में किस देश द्वारा एक नौसैनिक अभियान के आयोजन किया गया? तो नौसैनिक अभियान के बारे में पूछा गया वो रूस। क्या? रूस आपका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने निम्न में से किसको बैंक का प्रतिनिधित्व निर्देशक MD का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनाए जाने के लिए मंजूरी दे दी गई? तो 9वां प्रश्न इस 9वें प्रश्न का राइट आंसर मुरली रामकृष्ण। क्या है? मुरली रामकृष्ण। निम्न में से किस राज्य ने इच ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 10 नंबर है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कहाँ की है? ये आंध्र प्रदेश राज्य की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। क्या है? आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में 1400 किलोमीटर रेल पटरी के नदी बसी 40,000 झोपड़ियों को हटाने के निर्देश दे दिए गए? तो 11वां प्रश्न का उत्तर प्रदेश जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका जो जो राइट आंसर है वो दिल्ली। कौन सा? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया गया है, आदेश दे दिया गया है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी गई है? उत्तर प्रदेश सरकार में चीनी कंपनियां नहीं लगेगी और नहीं इसको आदेश दिया जाएगा कि चीनी कंपनियां लगाई जाए। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? बांग्लादेश। कौन सा देश? बांग्लादेश। हाल ही में किसने इस्तीफा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद पर अपना इस्तीफा दे दिया गया? 14वां प्रश्न इसका राइट आंसर है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। भारत और रूस के बीच हाल ही में किन नई रोफेल के भारत के निर्णय को मंजूरी दे दी गई है? तो AK-203 आपका राइट आंसर है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी पोखर जैसी ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है?
वो आंध्र प्रदेश सरकार, कौन सी सरकार? आंध्र प्रदेश सरकार। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनोद कुमार यादव। कौन है? विनोद कुमार यादव को सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत और किस देश के बीच इंद्रधनुष अभियान की शुरुआत हुई? तो भारत और रूस के साथ में इंद्रधनुष अभियान का आयोजन किया गया। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्मी सपोर्ट की पॉलिसी जारी की गई? वो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान। नो आर्मी सुप्रे यानी जो आर्मी है उसको सपोर्ट नहीं करेगी। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड छपाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? भारत सरकार। कैलेंडर नहीं होगा, डायरी नहीं, और त्योहार की जो ग्रीटिंग कार्ड है वो भी नहीं आएंगे। हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कुल कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? 118 ऐपों के ऊपर, कुल टोटल कितने? 118 ऐप है। केंद्र सरकार ने भारतीय विमान कंपनियों को निम्न में से कितने प्रतिशत घरेलू उड़ान के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? 60%, कुल कितनी? 60% आपका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए निम्न में से कितने प्रतिशत सिलेबस को कम कर दिया गया है? तो 30% सिलेबस क्या कर दिया है? कम कर दिया गया है। ग्लोबल इनोवेशंस इंडेक्स यानी GII में भारत चार पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर जा पहुंचा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 48वें, कौन से नंबर? 48वें नंबर पर केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी की भाषा को जम्मू कश्मीर एकाधिकार भाषा के रूप में मंजूरी दे दी गई। उर्दू भाषा, कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। कोल इंडिया 2023-24 तक कितने परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर 500 करोड़। कितने करोड़ का? 500 करोड़ का निवेश किया जाएगा सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की भू विज्ञान एवं खान संसाधन के क्षेत्रों में भारत और किस देश के सहयोग के साथ में मंजूरी होगी? तो वो भारत और फिनलैंड के साथ, पहला भारत और उसके साथ साथ में फिनलैंड। देखिए भारत और फिनलैंड के साथ मंजूरी होगी। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध के ऊपर हस्ताक्षर किए हुए हैं? 2,580 करोड़ रुपए। निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया जाएगा? तो सोलर ट्री हुआ भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया जाएगा। किस देश ने कलस मानसरोवर के पास सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? तो दोस्तों इस देखिए मिसाइल स्थापित की जाएगी कैलाश सरोवर, चीन के द्वारा। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी का नया नाम लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम VI, क्या है? VI। आइडिया और कंपनी दोनों VI के माध्यम से काम करेगी। एक और ये जो लोगो भी नया लोगो जारी और नया नाम भी जारी किया गया है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश हाइपर सोनिक प्रौद्योगिक निर्देशक यान यानी HSTDV को तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा? तो उसका राइट आंसर भारत। कौन सा देश बनेगा? भारत बनेगा। भारत के किस रेडियो, देखिए किस रेडियो भौगोलिक विज्ञान के जनक जिसका महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है, वह डॉक्टर गोविंद स्वरूप। इटालियंस ग्रेट फिक्सर 2020 का विजेता कौन है? वो है जो पियरी गैस्ली। फ्रेंच रैंकिंग ने चालू वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो इसका देखिए 10.5%।
10.5%। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विशेष वस्तु के नियमों के बारे में कितने सदस्यीय की समिति का गठन किया गया, 3 सदस्यीय, कितने 3 सदस्यीय के रूप में गठन किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी निरंतरण संरचना को समाप्त करने तथा उसे बनाए रखने के निर्णय के लिए कितने सप्ताह की मंजूरी दी है, तो 12 सप्ते, कुल कितने 12 सप्ते। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना SVAYEM योजना को फिर से लॉन्च किया गया है, वो असम सरकार, किस सरकार के द्वारा, असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने हेतु नदी में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है, वो ओडिशा सरकार, किसके द्वारा, ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहें। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।